नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco M4 5G वर्सेस Infinix Note 12 Pro 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M4 5G में 6.45 इंच जबकि Note 12 Pro 4G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो M4 5G में 2.99 इंच जबकि Note 12 Pro 4G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो M4 5G में 0.35 इंच जबकि Note 12 Pro 4G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M4 5G में 200 ग्राम जबकि Note 12 Pro 4G में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो M4 5G में IPS LCD जबकि Note 12 Pro 4G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M4 5G में 83.92% जबकि Note 12 Pro 4G में 85.62 मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M4 5G में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 12 Pro 4G में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M4 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Note 12 Pro 4G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 7 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M4 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 और Note 12 Pro 4G में MediaTek Helio G99 मिलता है। बात करें RAM की तो M4 5G में 6GB जबकि Note 12 Pro 4G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो M4 5G में 128GB जबकि Note 12 Pro 4G में 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो M4 5G में अप टू 512GB जबकि Note 12 Pro 4G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M4 5G 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Note 12 Pro 4G की तो वो 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Poco M4 5G में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Note 12 Pro 4G की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Note 12 Pro 4G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है।
दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A76 है, दूसरा टेक्नो स्पार्क 9 है, तीसरा टेक्नो स्पार्क 8C है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord CE2 Lite 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।